हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पुष्कर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जो पॉलिटी की जो उड़ान मैगजीन है उसको। देखिए, मैं आपको बता देता हूं हम क्या क्या आज कवर करने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको सारे टॉपिक कवर करवाऊंगा। सबसे पहले हम जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल न्यूज़ में थे वो सारे कवर करेंगे। फिर दूसरा, प्रियम्बल या अमेंडेबिलिटी, जो अभी रिसेंटली कौन सा जो बिल है प्रपोज किया था प्रियम्बल को अमेंड करने के लिए। फिर तीसरा, यूनियन टेरिटरी के बारे में, ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। और फिर सिटीजनशिप। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल से, फंडामेंटल राइट जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, ये तो आपको पता ही होने चाहिए क्योंकि ये सारे के सारे जो है न्यूज़ में रहे थे इस पूरे साल में। ठीक है, ये करंट अफेयर है जनवरी 2021 से लेके जनवरी 2022। ठीक है, और ये टारगेटेड होंगे 2000 ट्रिलियन, 2022 का जो प्रिलियम है उसको लेकर। ठीक है, पहले बात करते हैं आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 बात करता है, देखिए मैं यहाँ पर आपको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि आपने लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी पढ़ रखा है ये सारे का सारा। ठीक है, तो मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, जो आर्टिकल 5 होता है ना, ये बात करता है वो सिटीजनशिप जो हम जो कमेंसमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन के उस टाइम पे जब हम एक्वायर करते हैं उसके बारे में बात करता है। फिर आर्टिकल 6 बात करता है कि जो बंदा पाकिस्तान माइग्रेट कर गया था फिर उसके बाद जो है इंडिया में आ जाता है उसके लिए बात करता है ये आर्टिकल 6। फिर आर्टिकल 7 बात करता है कि पहले बंदा जो है पाकिस्तान मतलब चला गया था, ठीक है, जब हमारा जो इंडिया था वो डिवाइड हो रहा था, बट बाद में जो है जो वो बंदा इंडिया आ जाता है तो उसके बारे में बात करता है वो कैसे सिटीजनशिप एक्वायर कर सकता है। फिर आर्टिकल 8 होता है, ये बात करता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, ये आपने लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। फिर बात करते हैं आर्टिकल 9 की, ये बात करता है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक ऊपर ऊपर से बता देता हूँ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप कैसे होता है। ठीक है, इसमें तीन प्रोविजन है। सबसे पहला रेनन्सिएशन, दूसरा है टर्मिनेशन, ये आगे आएगा भी, और तीसरा है डेप्रिवेशन, ये आगे आएगा भी, मैं आपको समझाऊंगा। फिर आर्टिकल 10 है, ये बात करता है जो कौन से जो राइट हैं ये सिटीजन्स को मिलेंगे और कौन से जो राइट्स हैं ये एलियन को मिलेंगे, उनके बारे में बात करता है। और ये भी बात करता है जो भी लॉ रिलेटेड है सिटीजनशिप से, ये सारी की सारी जो अथॉरिटी है लॉ मेकिंग की ये पार्लियामेंट के पास होगी। फिर आर्टिकल 11 जो बात करता है जितनी भी राइट हैं सिटीजनशिप के उनको रेगुलेट करने का काम जो है पार्लियामेंट के पास है। मतलब क्या है कि पार्लियामेंट जो है लॉ लेके आएगी इन सबको रेगुलेट करने के लिए। फिर आर्टिकल 13 की बात करते हैं। आर्टिकल 13 मतलब क्या है कि ये बात करता है कि कोई भी अगर लॉ लेके आना है आपको तो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करना चाहिए। अगर फंडामेंटल राइट को जो वायलेट करेगा कोई भी लॉ, ठीक है, तो ये नल एंड वॉइड हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पढ़ भी देता हूँ। ऑल लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट और विद द डेरोगेशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट शैल बी वॉइड। मतलब क्या है कि फंडामेंटल जो राइट है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं आर्टिकल 15 की। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या बात करता है कि कोई भी, ठीक है, ये भी याद रखना, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन। ठीक है, याद रखना ये एनी सिटीजन, ठीक है, ये सिटीजन के लिए बात करता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से जो राइट है सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं। 14, ठीक है, 15, 19, 29 और 30, ये सारे के सारे जो राइट हैं जो मैंने अभी बोले ये सारे के सारे जो है सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एनी सिटीजन लिखा है, तो कौन कौन से ग्राउंड लिखे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली लिखा है। ठीक है, सिर्फ रिलीजन पे, रेस पे, कास्ट पे, सेक्स पे या प्लेस ऑफ बर्थ, इन ग्राउंड को छोड़कर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। मतलब करना नहीं चाहिए, मैं बता रहा हूँ बस कि संविधान में हमारे लिए सिर्फ 5 ग्राउंड दिए हैं, इनके बजाय आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 16 की बात करें तो ये बात करता है एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट। मतलब क्या है कि आपको एम्प्लॉयमेंट वगैरह जो है इसका राइट है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिसेस अंडर द स्टेट। फिर बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 बात करता है हमारी फ्रीडम की। अब फ्रीडम किस किस चीज़ की है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, फिर पीसफुली असेंबल होने की विदाउट आर्म्स, फिर एसोसिएशन बनाने की, फिर जो कहीं भी फ्रीली मूव करने की। एग्जाम्पल मान लो अब आपको गोवा जाना है तो आपके पास राइट है कि कभी भी अगर आपके पास पैसे हैं तो आप घूम के आ सकते हो। तो ये फ्रीली मूवमेंट हमारे इंडिया की टेरिटरी में, ये भी याद रखना, विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडियन की टेरिटरी में आप कहीं भी घूमने जा सकते हो। ठीक है, फिर बात करता है कि कहीं भी रिसाइड या सेटल हो सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मान लो आपको कहीं मुंबई में घर खरीदना है या मुंबई में बसना है, तो अगर आपके पास पैसे हैं तो मुंबई में आप बस सकते हो। फिर राइट टू प्रैक्टिस एंड अ प्रोफेशन। एग्जाम्पल मान लो आपको, जैसे मान लो एग्जाम्पल एक्स नाम का बंदा है, उसने पीएचडी करी है,
ठीक है। अब वो बोल रहा है कि मुझे जो है आलू का ठेला लगाना है, ठीक है, एग्जाम्पल मान लो, वैसे होगा नहीं बट मान लो एग्जाम्पल। तो उसके पास राइट है, वो PhD करके भी आलू का ठेला खोल सकता है, मतलब प्रोफेशन का राइट है उसके पास, ठीक है। फिर बात करते हैं Article 21 की। Article 21 मेनली बात करता है किसी भी बंदे की पर्सनल लिबर्टी, और जो है मतलब क्या है कि जो पर्सनल लिबर्टी है, ये प्राइवेसी वगैरह, ये प्राइवेसी जो है ये सारा इसी में आता है, ठीक है। मेनली बात करता है लिबर्टी की, ठीक है, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की मेनली ये डील करता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि जो आर्टिकल जो एजुकेशन या प्राइवेसी का राइट है, तो यही जो Article 21 होता है, यही हमारा जो है एजुकेशन और प्राइवेसी के लिए भी डील करता है, मतलब राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन जो है Article 21 में ही आता है हमारा। फिर बात करते हैं Article 25 की। ये बात करता है कि जितने भी हमारे पर्सन हैं, दे आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, सो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन। फिर बात करते हैं Article 26 की। एवरी रिलीजियस डोमिनेशन और एनी सेक्शन शैल हैव द फॉलोइंग राइट। मतलब क्या है कि जितने भी रिलीजन है हमारे यहाँ पे, सबको क्या क्या राइट होंगे ये बात करते हैं। राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। राइट टू मैनेज ओन अफेयर्स इन द मैटर ऑफ रिलीजन। राइट टू ओन एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट टू एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है। फिर Article 27 की बात करते हैं। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस इन द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस या रिलीजियस डोमिनेशन। मतलब क्या है कि आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर्सन एक्स है, अब उसके पास राइट है कि मतलब किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी रिलीजन को फंड करने के लिए उससे टैक्स वगैरह नहीं वसूला जाएगा। पहले क्या होता था, एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जो ब्रिटिशर्स थे ना यहाँ पे टैक्स वसूलते थे ताकि जो क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज है उनको बढ़ावा दिया जा सके। बट अब जो संविधान में ये प्रोविजन ऐड हो गया है, तो ये सारी की सारी चीज़ें एलिमिनेट या मतलब कहते हैं ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की, Article 28 की। Article 28 जो होता है, ये बात करता है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होल्ली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड। मतलब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहा था, उसमें ये वाला जो क्वेश्चन था मेरा गलत हो गया था, मैंने ये नहीं पढ़ा था होली मेंटेन। मतलब क्या है कि मान लो अगर थोड़ा आधा फंड भी देती है ना, अगर होली मेंटेन नहीं है तो उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। एग्जाम्पल मान लो कोई इंस्टीट्यूशन है XYZ, ठीक है, मान लो XYZ इंस्टीट्यूशन है, उसमें स्टेट जो फंड है 40% जाता है एग्जाम्पल मान लो, और साथ जो 60% है ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है ये दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली फंड है स्टेट फंड द्वारा, तो ही जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मनाही है उसमें, बाकी सब में दे सकते हैं। फिर बात करते हैं Article 30 की। ये बात करता है राइट टू माइनॉरिटीज एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये याद रखना, Article 29 और 30 जो है ये बात करता है माइनॉरिटीज के बारे में। पर यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लेना कि जब क्या माइनॉरिटी शब्द जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। माइनॉरिटी शब्द जो है हमारे संविधान में डिफाइंड नहीं है कि माइनॉरिटी होता क्या है। अब एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना कि ये जो माइनॉरिटी लिखा है, ये सिर्फ क्या माइनॉरिटी के लिए है, ये आंसर मतलब ये जो ऑप्शन है नहीं, गलत। ये दोनों को डील करता है, मेजॉरिटी के लिए भी डील करता है और माइनॉरिटी के लिए भी डील करता है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट ये याद रखना, ठीक है। फिर बात करते हैं Article 32 की। Article 32 मेनली बात करता है जो हमारा जैसे कहते नहीं, जो फंडामेंटल राइट अगर अबॉलिश हो गया, ठीक है, तो उसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होगा इसकी बात करते हैं। जैसे रिट जो आसान भाषा में बोलो, रिट ज्यूरिडिक्शन जो है इसके बारे में बात करता है, ठीक है। एग्जांपल मान लो अगर कोई फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट हो रहा है, आपने 5 रिट्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे मैंडमस, सेटररी, ठीक है, प्रोहिबिटेशन, ये सारे के सारे रिट्स के बारे में बात करता है। यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे जो जैसे रिट ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, और हाई कोर्ट जो है वो दूसरे मैटर में भी जो है जो रिट ज्यूरिडिक्शन है ये लागू कर सकता है। और एक ये भी याद रखना, जो Article 32 ये डील करता है सुप्रीम कोर्ट से, और Article 226 जो डील करता है ये हाई कोर्ट से डील करता है, तो दोनों के दोनों चीज़ याद रखना। फिर बात करते हैं Article 39A। ये बात करता है प्रमोशन ऑफ इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, और ये ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये। फिर बात करते हैं Article 40 की, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ठीक है, एट ग्रास रूट लेवल, ठीक है। Article 40 याद रखना जो है पंचायत से डील करता है। फिर Article 43 जो है ये 43B, ठीक है, क्लॉज भी याद रखना,
ठीक है, ये बात करता है ताकि जो वॉलेंट्री फॉर्मेशन है, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशन मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ठीक है, अगर इतना बड़ा आपको नहीं भी समझ आया तो बस ये याद रखना 43 जो बी है ये कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से ऐड हुआ, मतलब कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है, ठीक है, ऊपर की डेफिनेशन नहीं भी याद रहे काम चल जाएगा। और ये ऐड हुआ था बाय 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 2011, ठीक है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 44, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आर्टिकल 44 से इस साल क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यूके जो है ना इसने अभी रिसेंटली मतलब अनाउंस किया था कि यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करा जाएगा। और एक फैक्ट और जरूर से याद रख लेना, जो गोवा है ये इकलौता स्टेट है या जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू है, ठीक है, दोनों फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसने अभी रिसेंटली प्रपोज किया, यूके ने, और कौन सा एडिट है, गोवा इज द ओनली स्टेट वेयर यूनिफॉर्म सिविल कोड इज इम्प्लीमेंटेड। फिर आर्टिकल 44 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। आर्टिकल 48 जो है जो काउ स्लॉटरिंग होता है या फिर जो लिकर होता है, लिकर कंजम्पशन उससे रिलेटेड है, उनसे प्रोहिबिटेशन लगाना, ठीक है, या उनको इरेडिकेट करना, इससे रिलेटेड है। फिर आर्टिकल जो 50 होता है ये बात करता है कि जो जुडिशरी होगी ये इसको एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, क्योंकि कई बार पीसीएस एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देते हैं। फिर आर्टिकल 51 की बात करते हैं कि जो इंटरनेशनल पीट है, पीस एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशन फॉस्टर रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल लॉ ट्रीटी और एनकरेज द पीसफुल सेटलमेंट, मतलब क्या है कि जो इंटरनेशनल पीस है, ठीक है, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट होंगे ये सारे के सारे आर्टिकल 51 में मेंशन है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 51 क्लॉज ए, ठीक है, आर्टिकल 51 क्लॉज ए मेनली डील करता है हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है, आपने लक्ष्मीकांत में अच्छे से पढ़ा होगा तो मैं ये रिपीट नहीं करने जाऊंगा, बस ये याद रखना आर्टिकल 51 जो है ये डील करता है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी से, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारी यूनियन जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसके बारे में। आर्टिकल 53 और आर्टिकल 154 डील करता है कि जो जितने भी यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर होंगी ये प्रेसिडेंट के पास होगी यूनियन में, और स्टेट में होंगी गवर्नर के पास, मतलब क्या है कि 53 में जितनी भी यूनियन एग्जीक्यूटिव पावर होगी ये प्रेसिडेंट के पास होंगी, और आर्टिकल 154 जो होगा ये होगा मतलब स्टेट में होगा गवर्नर के पास। फिर आर्टिकल 72 की बात करते हैं, आर्टिकल 72 में बात करता है पार्डन की, ठीक है, जो भी जो प्रेसिडेंट है दे सकता है। अब एक चीज और याद रखना यहाँ पे कि जो गवर्नर है ये डेथ जो पेनल्टी है उसको माफ नहीं कर सकता, बाकी सारे दे सकता है, बट जो डेथ पेनल्टी है ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। अब यहाँ पे कौन कौन से दे सकता है, ये पार्डन दे सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रेमिशन पनिशमेंट सस्पेंड कर सकता है, ठीक है, ये कम्यूटेशन कर सकता है, इनके मतलब क्या होते हैं ये आप लक्ष्मीकांत में देख लेना, ठीक है, ये बस ये याद रखना आर्टिकल 70 जो होता है ये पार्डन से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 76 की, ये बात करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और एक चीज और याद रखना, जब भी अगर आपको मान लीजिए कन्फ्यूजन हो रहा है कि दूसरा अपोजिट क्या होगा, मान लीजिए 76 जो है आर्टिकल डील करता है अटॉर्नी जनरल से, अब एडवोकेट जनरल क्या होगा, तो सिंपली जो भी आर्टिकल है ना अटॉर्नी जनरल का उसमें 89 ऐड कर दो, अल्टीमेटली एडवोकेट जनरल का जो है निकल के आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही करना, मतलब सीएम के लिए भी, प्राइम मिनिस्टर के लिए, सीएम के लिए भी, और प्रेसिडेंट का गवर्नर के साथ। तो एग्जांपल मान लो अटॉर्नी जनरल का ये है, तो जो एडवोकेट जनरल होगा इसका होगा 89 ऐड कर दो, 6 और 9 कितना होता है 15, हासिल किया 1, और 8 और 8 कितना होगा 16, 165 डील करेगा हमारा एडवोकेट जनरल से, ठीक है, आगे मैं दिखाऊंगा भी। फिर बात करते हैं 80, यहाँ पे लिखा भी तो हुआ है, सॉरी मैं यहाँ दिखाना भूल गया, जो आर्टिकल 165 जो मैंने अभी निकाल के दिखाया आपको, ये डील करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, वही चीज जो मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला नीचे से फॉर्मूला समझाया। फिर आर्टिकल 82 डील करता है कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, विद द अथॉरिटी टू इनेक्ट डिलिमिटेशन कमीशन, आपको पता होगा जो हमारे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उनमें डिलिमिटेशन कमीशन जो है इशू किया जाता है, मतलब क्या है कि कौन से स्टेट को या कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कितनी सीट अलॉट होंगी, उससे रिलेटेड है एक आर्टिकल 82, याद रखना डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 86 क्लॉज ए और आर्टिकल 87 क्लॉज ए, ये डील करता है कि जब भी कोई सेशन, एग्जांपल मान लो पार्लियामेंट की जो सेशन है ये फर्स्ट सेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे मोशन ऑफ थैंक्स देते हैं, मतलब क्या है कि इस पूरी जॉइंट पार्लियामेंट सेटिंग है इसको एड्रेस करते हैं, और यहाँ पे रीजन भी बताते हैं कि भैया जो जॉइंट सेटिंग है वो क्यों होने वाली है, तो इसका रीजन भी स्टेट करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं आर्टिकल 105 की, आर्टिकल 105 मतलब जो एमपी है, ठीक है, इनको
कहते हैं ना, एक प्रिविलेज टाइप की मिलती है। मतलब क्या है कि ये पार्लियामेंट में खड़े होकर कुछ भी बोले तो इनके ऊपर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हम नहीं कर सकते। तो एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच इनको मिल रखी है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 108, ये बात करता है जॉइंट सिटिंग की। एग्जाम्पल मान लो कोई ऑर्डिनरी बिल है एक्स वाई जेड, अब मान लो यहाँ पे जो सहमति है दोनों बिल लोकसभा और राज्यसभा से नहीं बनी, तो इसमें प्रोविजन होता है कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। और ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड करता है हमारा स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसी के साथ ये भी जान लो अगर ये पता लगा, ठीक है, तो स्पीकर के जो इलेक्शन है ये कौन अनाउंस करता है, ये अनाउंस करता है हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेप्यूटी स्पीकर के जो इलेक्शन है, ठीक है, मतलब डेप्यूटी स्पीकर जो है इसके इलेक्शन कौन अनाउंस करता है, ये हमारा जो स्पीकर होता है इसके पास पावर होती है डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन की डेट अनाउंस करना, और स्पीकर के लिए डेट अनाउंस करता है प्रेसिडेंट। फिर आर्टिकल 110 जो डील करता है मनी बिल से डील करता है, आपको पता होगा जो मनी बिल होता है ये यहाँ पे जो लोकसभा की पावर है ये बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो जाती है, और राज्यसभा है इसकी पावर नेग्लिजिबल हो जाती है, मतलब ना के बराबर हो जाती है। फिर ये क्या होती है, ये आपने लक्ष्मीकांत में अच्छे से पढ़ा होगा। आर्टिकल 114 जो होता है ये बात करता है गवर्नमेंट कैन विदड्रॉ द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर रिसीविंग द गिवन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट है हमारी ये कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया से पैसे तभी निकाल सकते हैं जब उसको रिटर्न में पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आई होप आपको समझ आए होंगे आर्टिकल। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट में हमारे आर्टिकल 121 और 122, ठीक है, सॉरी 211। ये मैंडेट करता है कि कोई भी, एग्जांपल मान लो यहाँ पे मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, मान लीजिए कोई भी जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव की प्रोसीडिंग है ये किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डिस्कस नहीं करी जा सकती या उसकी प्रोसीडिंग में नहीं आती। मतलब क्या है कि जो पार्लियामेंट की या स्टेट लेजिस्लेटिव की प्रोसीडिंग है ये जो कोर्ट से एग्जेम्पशन मिल रखी है, मतलब यहाँ पे कोई भी प्रोसीडिंग हो तो ये कोर्ट में डिस्कस नहीं की जा सकती या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं बुलाई जा सकती इसके मैटर में। फिर बात करते हैं आर्टिकल 124 क्लॉज 1, ये बात करता है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक चीफ जस्टिस होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 124 और क्लॉज 1 डील करता है कि हमारे यहाँ पे एक चीफ जस्टिस भी होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर बात करते हैं आर्टिकल 129 की, ये बात करता है कि मान लीजिए अगर एक्स नाम का बंदा है, ठीक है, इसने कोर्ट का कंटेम्प्ट कर दिया, मान लीजिए इस किसी भी तरीके से कोर्ट को नीचे दिखा दिया, एग्जाम्पल कोई भी तरीका हो सकता है, ठीक है, अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किसी बंदे ने कर दिया तो उसको पनिश करने की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट रखता है, तो आर्टिकल 129 इसी से डील करता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। फिर बात करते हैं आर्टिकल 124, ठीक है, 124 मतलब क्या है कि ये डील करता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ऐसी पावर है जो जिनका यूज़ करके जो सुप्रीम कोर्ट है कंप्लीट जस्टिस जो है लेके आ सकता है, मतलब कंप्लीट जस्टिस के बारे में बात करता है। इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं, देखिए आपने सुना होगा नाम जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म इसका कंप्लीट जस्टिस का एक एग्जांपल है। मतलब क्या है कि जब गवर्नमेंट इनएफिशिएंट हो जाती है तो जो सुप्रीम कोर्ट है अपने स्तर पर कुछ इनिशिएटिव लेके सोशल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करता है या सोसाइटी में चेंजेस लाने की कोशिश करता है, ठीक है। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एग्जांपल बता दीजिए। फिर बात करते हैं आर्टिकल 161 मतलब 161, इसमें क्या है कि जो गवर्नर ऑफ स्टेट है इसके पास पावर है कि किसी भी बंदे को जो पार्डनिंग पावर है उसके पास है, मतलब पार्डन मतलब क्या है, डेथ सेंटेंस माफ नहीं कर सकता, बाकी के सारे की सारी जो है प्रेजिडेंट की तरह है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये कम्यूट भी कर सकते हैं, रिस्पाइट भी कर सकते हैं, रेमिशन भी कर सकते हैं किसी बंदे का, ठीक है, बट जो डेथ पेनल्टी है उसको माफ नहीं कर सकते। फिर बात करते हैं आर्टिकल 163 की, ठीक है, इसमें क्या डील करता है, जो गवर्नर है शैल एक्सरसाइज हिज और हर फंक्शन विद एन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब क्या है कि एग्जांपल मान लो एक्स नाम का बंदा है, ठीक है, ये है गवर्नर, अब इसको कोई भी इनिशिएटिव लेना है, मान लीजिए कोई भी इनिशिएटिव लेना है एक्स वाई जेड, तो ये सबसे पहले एडवाइस करेगा इसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उससे एडवाइस करेगा, उसी के स्तर पर उन एडवाइस के स्तर पर जो है गवर्नर एक्शन लेगा कोई भी। मतलब क्या है कि जो गवर्नर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेगा, इससे डील करता है। फिर आर्टिकल 170 ये प्रोवाइड करता है कि जो स्टेट है, ठीक है, ये स्टेट के अंदर जो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो मैंने आपको ऊपर समझाया था डिलिमिटेशन कमीशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है या डिलिमिटेशन कमीशन है स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उससे डील करता है आर्टिकल 170। मतलब क्या है कि स्टेट के अंदर छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी या डिलिमिटेशन कमीशन बैठाना, उससे डील करता है। फिर आर्टिकल 174 क्लॉज बी का ए जो है डील करता है कि जो गवर्नर है, ठीक है, टाइम टू टाइम जो है हाउस को प्ररोग कर सकता है और
आर्टिकल्स 174 क्लॉज 2 जो है ये डील करता है कि जो गवर्नर है उसके पास पावर है जो स्टेट लेजिस्लेटिव को अबॉलिश कर सकता है या भंग या डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है, ये पावर है इसके पास आर्टिकल 174 क्लॉज 2 और प्लस बी, ठीक है, सारे के क्लॉज थोड़े मुश्किल होते हैं मेमोराइज करना, बट आपको करने हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 191 क्लॉज ए का ई, ये बात करता है अ पर्सन शैल बी डिसक्वालिफाइड बींग अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इफ ही इज डिसक्वालिफाइड अंडर द 10th शेड्यूल। मतलब क्या है कि कोई भी बंदा ना वो लेजिस्लेटिव काउंसिल ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन सकता है अगर वो बंदा डिसक्वालिफाइड है अंडर 10th शेड्यूल, ठीक है। 10th शेड्यूल क्या होता है चलिए मुझे बता दी, चलिए मैं ही बता देता हूँ, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उससे डील करता है हमारा 10th शेड्यूल, ठीक है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 224 क्लॉज ए का, ये बात करता है कि भैया अगर हाई कोर्ट में जो जज की कमी है तो रिटायर्ड जज को जो भी पहले से बंदे रिटायर हो गए उनको रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं उनका, तो ये डील करता है आर्टिकल 224 क्लॉज की। फिर बात करते हैं आर्टिकल 239 की, ठीक है, ये बात करता है कि सारी जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं इंडिया में ये डायरेक्टली प्रिसाइड या मतलब एडमिनिस्टर करी जाएंगी बाय द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट भी डायरेक्टली नहीं करेगा, ठीक है, प्रेसिडेंट मतलब जितने भी मतलब जो यूनियन टेरिटरी है प्रेसिडेंट में उनका एक एडवाइजर रहेगा जिनको हम गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम से जानते हैं। आपको पता होगा दिल्ली में क्या है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठता है, वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को गवर्न करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 239 ए डबल क्लॉज ए, ठीक है, ये ए लिख रखा है इस, ये क्या बात करता है, जो दिल्ली होगी ये हमारी नेशनल कैपिटल होगी, ठीक है, और यहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा जो दिल्ली को गवर्न करेगा और ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे प्रेसिडेंट को, ठीक है, यही डील करता है आर्टिकल 239 ए। फिर बात करते हैं आर्टिकल 239 ए बी का, ये क्या बात करता है कि जो प्रेसिडेंट में ऑर्डर और सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239 ए और ऑल द प्रोविजन इन द लॉ मेड बाय द पर्सुएंस आर्टिकल 356। इसका मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, मान लीजिए कोई भी प्रोविजन है, ठीक है, अगर मान लीजिए उनको लगता है कि ये जो प्रोविजन है, जैसे मान लीजिए यहाँ की दिल्ली के एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है ये कोई प्रोविजन लेके आ गई एक्स वाई जेड, अब मान लीजिए इनको लगता है प्रेसिडेंट को लगता है ये मतलब ये प्रोविजन सही नहीं है तो ये अथोराइज कर सकते हैं गवर्नर को या फिर ये सस्पेंड कर सकते हैं, इनके पास आपको पता होगा स्टेट इमरजेंसी ये लगाते हैं आर्टिकल 356 के अंडर में, तो उनकी उस आर्टिकल के अंडर इनको पावर है कि जो कोई भी प्रोविजन है अगर यूनियन टेरिटरी में उसको सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। फिर बात करते हैं आर्टिकल 240 की, इसके पास जो इसमें जो है प्रेसिडेंट के पास पावर है कि ये रेगुलेशन बना सकते हैं, ठीक है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे यूनियन मैंने आपको ऊपर बताया था ना प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि यूनियन टेरिटरी में जो है एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पीस या फिर डेवलपमेंट के लिए कोई भी पॉलिसीज या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई भी पॉलिसी या क्या कहते हैं रेगुलेशन वगैरह जो है लेके आ सकते हैं, ठीक है। इसमें मेनली बात करते हैं हम लक्षद्वीप हो गया, अंडमान हो गया, निकोबार हो गया, पौंडीचेरी हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया, दमन दीव, ये सारी की सारी यूनियन टेरिटरी जो है इंक्लूडेड है, ठीक है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 243 एल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है, ये क्या बात करता है कि जितने भी प्रोविजन है, ठीक है, पंचायती, आपको पता होगा जो हमारा 9th पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का ये डील करता है पंचायत से, ठीक है, ये जो जितने भी जो पंचायत का प्रोविजन है ये यूनियन टेरिटरी जितनी भी हमारी इन पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल देता हूँ तब आपको समझ आएगा, ठीक है, मान लीजिए आप पंचायत का कोई प्रोविजन है ये जैसा यूपी में अप्लाइड होता है वैसा दिल्ली में अप्लाइड नहीं हो सकता, ठीक है, आपको पता होगा यूपी की हालत अलग है, मतलब कंडीशन अलग है और दिल्ली की अलग है, मतलब क्या है कि यूपी में एक स्टेट होती है उनकी गवर्नमेंट, उन स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, बट दिल्ली में क्या है, मैंने आपको ऊपर ही समझाया, ये दिल्ली जो जितनी भी यूनियन टेरिटरी होती है डायरेक्टली प्रेसिडेंट के अंडर में आती है और प्रेसिडेंट भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर होता है ये अपॉइंट करता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसा जो प्रोविजन हम पंचायत से रिलेटेड यूपी में अप्लाई कर सकते हैं वैसे दिल्ली में अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब अगर अप्लाई भी करना है तो कुछ एग्जेम्पशन देनी पड़ेगी, जैसे हम जैसे एग्जांपल आपने सुना होगा ना जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं या शेड्यूल एरिया होते हैं वहाँ पे हम जितने भी रूल लाते हैं वो डायरेक्टली ऐसे के वैसे अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ मॉडिफिकेशन या कुछ कहते हैं ना जो मॉडिफिकेशन एक्ट में करनी पड़ती है तभी जो हम शेड्यूल एरिया में वो लॉ जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं आर्टिकल 243 के, यहाँ पे ये बात करता है कि जितने भी म्यूनसिपैलिटी और जो पंचायत के इलेक्शन होंगे ये डायरेक्टली कंट्रोल में आएंगे जो हमारे स्टेट इलेक्शन इलेक्शन कमीशन होगा, ये सारे जो इलेक्शन है करवाएगी हमारे म्यूनसिपैलिटी के भी और पंचायत के भी।
फिर बात करते हैं आर्टिकल 243 के क्लॉज 2 की। ये बात करता है कि जितना भी जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा इनका टेन्योर क्या होगा, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ये सारा का सारा जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ये डिटरमाइन करेगा। ठीक है, आप बोलेंगे कि भैया आपने ऊपर ही समझाया कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशनर है ये गवर्नर द्वारा अपॉइंट किया जाता है और ये म्यूनसिपैलिटी और उसके जो पंचायत के इलेक्शन डील करता है, तो यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव कहाँ से आ गई, तो जो टेन्योर वगैरह है ये यही डिसाइड करती है। टेन्योर क्या होगा, अपॉइंटमेंट की जो क्वालिफिकेशन होगी ये क्या होंगी, ये लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड करती है, बट अपॉइंट यहाँ पे गवर्नर करता है। सेम प्रोसेस होता है यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पे भी सेम हमको प्रोसेस देखने मिलता है। टेन्योर या अपॉइंटमेंट वगैरह पार्लियामेंट डिसाइड करती है बट अपॉइंट उसको प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, तो सेम प्रोविजन हमको यूनियन में भी देखने मिलता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 243 ZB की। ठीक है, ये बात करता है प्रोविजन ऑफ द पार्ट 9 म्यूनसिपैलिटी विल अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था मतलब पंचायत वाले में, तो सेम यहाँ पे भी होगा। जो म्यूनसिपैलिटीज होंगी जो यूनियन टेरिटरी होंगी वहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन के साथ जो है हम अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्टली वैसे के वैसे प्रोविजन हम अप्लाई नहीं कर सकते जैसे हम दूसरे स्टेट में करते हैं। ठीक है, वही डील करता है, बाकी और कुछ अलग नहीं। फिर बात करते हैं आर्टिकल 244 की। ये बात करता है हमारे जो शेड्यूल एरिया या शेड्यूल ट्राइब्स एरिया है उससे डील करता है। फिर आर्टिकल 323 क्लॉज ए, ये डील करता है कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 323 क्लॉज बी, ये डील करता है कि जो ट्राइब्यूनल्स हैं या दूसरे सब्जेक्ट जैसे टैक्सेशन हो गया, इंडस्ट्रियल एंड लेबर, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गया, लैंड सीलिंग हो गया, या अर्बन प्रॉपर्टी हो गया, या पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो गया, लेजिस्लेशन हो गया, ठीक है, रेंट हो गया, टेनेंसी हो गया, ये सारे के सारे जो मैटर हैं ट्राइब्यूनल जो है इनके सब्जेक्ट या मैं बोलूँ इनकी जुरिडिक्शन में आएंगे। ठीक है, ये ज़रूर से याद रखना। फिर बात करते हैं आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332। ये बात करता है कि जो हमारे SC और ST हैं, ठीक है, इनके लिए स्पेसिफिक रिजर्वेशन अलॉट करना, यहाँ पे दोनों आता है, पार्लियामेंट में भी और प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, दोनों के लिए रिजर्वेशन। आपको पता होगा हमारे लोकसभा और जो हमारी जो स्टेट में विधानसभा होती है इन दोनों में ही हमारे SC ST के लिए कुछ सीटें जो है रिजर्व रहती हैं। ठीक है, वो उन सीटों पे सिर्फ कोई नहीं लड़ सकता, सिर्फ वही कैंडिडेट होगा SC ST वही लड़ सकता है। फिर बात करते हैं आर्टिकल 335, ये बात करता है कि हमारे जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, या पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें प्रोविजन है कि जो स्पेशल मेजर्स लिए जाएंगे ताकि जो हमारे SC और ST हैं इनको जो जॉब्स वगैरह हैं इनको ज़्यादा बेनिफिट मिल सके और जो जॉब्स में इनका मतलब जैसे कहते हैं ना पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जा सके। ठीक है, मतलब क्या है कि इनको अच्छे अच्छे जॉब में जो है प्रेफरेंस मिलाकर SC ST को उससे डील करता है ये। फिर आर्टिकल 350 क्लॉज बी जो डील करता है, ये भी याद रखना, जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था हमारा आर्टिकल इन द ईयर ऑफ 1956, इसमें एक नया क्लॉज या नया आर्टिकल डाल दिया था जिसमें जो हमारा एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। मैंने आपको फिर बता दिया माइनॉरिटीज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, यहाँ पे ये भी डिफाइन नहीं किया कि कौन कौन सी जो लिंग्विस्टिक है माइनॉरिटीज है हमारे को हम रिकॉग्नाइज करेंगे। बस ये याद रखना आर्टिकल 350 क्लॉज बी जो है एक स्पेशल ऑफिसर के बारे में बात करता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से रिलेटेड। फिर बात करते हैं आर्टिकल 355 जो बात करता है ड्यूटी, ये बात करता है कि यहाँ पे जो भी ये सेंटर की ड्यूटी होगी, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको डायरेक्शन देना, ठीक है, मतलब कैसे कैसे आपको काम करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये फेल कर देते हैं, एग्जांपल मान लो आर्टिकल 356 जो बोलता है, अगर मान लो कोई भी डायरेक्शन दिया XYZ सेंटर ने बोला कि भैया स्टेट को ये इम्प्लीमेंट करना है, अगर वो फेल कर देते हैं उसको करने में, तो आर्टिकल 356 के तहत स्टेट में एमरजेंसी, जो स्टेट एमरजेंसी या प्रेजिडेंट रूल जो है लागू किया जा सकता है। फिर आर्टिकल 361 जो होता है ये बात करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट विद फॉर द एक्सरसाइज और द परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिसर। मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मान लीजिए गवर्नर या प्रेसिडेंट है अगर कोई भी अपनी पावर यूज करके कोई भी इनिशिएटिव लेता है तो वो उसका इनिशिएटिव जो है किसी भी कोर्ट में आंसरेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल मान लो एमरजेंसी लगाई उसने, किसी ने प्रेसिडेंट ने XYZ ने एमरजेंसी लगाई, तो ये आंसरेबल नहीं है कि भैया आपने क्यों लगाई थी या कैसे लगाई थी, ये मतलब कोई भी आंसरेबल नहीं है अपनी पावर का यूज़ करने के लिए। फिर बात करता है आर्टिकल 365, मतलब अगर मान लीजिए स्टेट जो है सेंटर के साथ फेल कर गया, ठीक है, मतलब क्या है, सॉरी मैंने यहाँ पे एक चीज़ बता थोड़ी गलत बता दी, यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो अगर मतलब मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को फेल कर गया, ठीक है, तो हम जो है
लगा सकते हैं इमरजेंसी, बट यहाँ पे जो है अगर सेंटर की कोई डायरेक्शन फेल कर दिया स्टेट फॉलो करने में, तो 365 जो है ये सेंटर से रिलेटेड है और 356 जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, बस यही चीज़ आप करेक्ट कर लेना, बाकी सारे के सारे सही है। फिर बात करते हैं हमारा प्रीएम्बल से। अभी रिसेंटली ही एक राज्यसभा में जो है एक बिल प्रपोज किया था जिसके अंडर में क्या है कि जो हमारा प्रीएम्बल है उसमें तीन चीज़ें अमेंड करने के लिए हमको कहा गया था, मतलब क्या है एक अमेंडमेंट प्रपोज किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है ये बिल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ठीक है। ये जो नाम जो था ये आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी का कौन सा एमएलए था, किसने प्रपोज किया था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना कौन कौन से जो प्रोविजन है इसमें चेंज लेके आए थे। सबसे पहला इन्होंने बोला था जो हमारा प्रीएम्बल में आपको पता होगा प्रीएम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग स्ट्रॉन्गली, आपने पढ़ा होगा प्रीएम्बल लक्ष्मीकांत में, इसमें जो इक्वालिटी है आपको पता होगा स्टेटस और अपॉर्चुनिटी है प्रीएम्बल में, बट यहाँ पे चेंजेस क्या करने का बोला था कि जो इक्वालिटी होगी अब से स्टेटस अपॉर्चुनिटी टू बी बॉर्न टू बी रेड टू बी फेड टू बी एजुकेटेड टू गेट जॉब एंड टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी, ये सारे के सारे जो चेंजेस प्रपोज किए थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या किया, इक्वालिटी चेंज करने के लिए बोला था, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस से क्या क्या यहाँ पे ये भी याद रखना, टू बी बॉर्न टू बी फेड टू बी एजुकेटेड टू गेट जॉब और टू ट्रीट विद डिग्निटी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है याद रखना। फिर दूसरा क्या है कि इसमें जो जो सोशलिस्ट वर्ड है इसको रिमूव करके यहाँ पे इक्विटेबल डाले, दूसरा प्रोविजन दूसरा चेंज। और तीसरा क्या था कि यहाँ पे जो अब ऑब्जेक्टिव है इसमें एक चीज़ और ऐड करो, एसेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड हैप्पीनेस, ठीक है ये तीन चीज़ें जो हैं ये प्रपोज कही गई थी प्रीएम्बल में ऐड करने के लिए, तो तीनों की तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना ठीक है। पहला क्या है मैं बता देता हूँ दोबारा से एक बार, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अपॉर्चुनिटी को स्टेट चेंज किया गया था, स्टेटस अपॉर्चुनिटी प्लस टू बी बॉर्न टू बी फेड टू बी एजुकेटेड टू गेट जॉब एंड टू ट्रीट विद डिग्निटी, और इसमें सोशलिस्ट वर्ड को रिमूव करके इक्विटेबल ऐड किया, और यहाँ पे एस जो ऑब्जेक्टिव है उसमें एक चीज़ और ऐड की गई, एसेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस हैप्पीनेस। अब बात करते हैं अमेंडेबिलिटी, ठीक है आपको पता होगा जो प्रीएम्बल है हमारे संविधान का पार्ट है तो इसको भी हम अमेंड कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 368, आपको पता होगा अमेंड करने की जो पावर है ये हमारे आर्टिकल 368 में मेंशन है ठीक है। बट क्योंकि जो संविधान प्रीएम्बल जो है संविधान का पार्ट है तो हम बेसिक स्ट्रक्चर बिना ऑल्टर किए या बिना खराब किए हम संविधान को अमेंड कर सकते हैं, मतलब प्रीएम्बल क्या है एक अमेंडेबल प्रॉपर्टी है ठीक है, क्योंकि संविधान का पार्ट है तो अमेंड किया जा सकता है, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो खराब नहीं होना चाहिए, जैसा हमारा केशवानंद भारती जो केस हुआ था 1973 में इसमें मेंशन था ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है याद रखना ठीक है, जिसमें क्या है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। फिर आपको पता होना चाहिए कि जो प्रीएम्बल है ये सिर्फ एक बार अमेंड हुआ था, जो वो भी कब 1976 में, और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जिसमें हमारे तीन वर्ड ऐड हुए थे, सबसे पहला सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब बात करते हैं हमारे फोर इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट हमारे प्रीएम्बल के क्या है, सबसे पहला अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी हमारे पीपल ऑफ इंडिया जो है वहाँ से ड्राइव करती है, और नेचर कैसा है हमारा, नेचर है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ठीक है। और अगर बात करें ऑब्जेक्टिव की तो जस्टिस आपको पता होना चाहिए जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था वहाँ से हमने जस्टिस वर्ड डिराइव किया था, और इक्वालिटी लिबर्टी और फ्रेटर्निटी ड्राइव किया था आपको पता होगा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वहाँ से हमने ड्राइव किया था, और डिक्लेरेशन या अडॉप्शन कब थी ये हुई थी नवंबर 26, 1949 में इसको अडॉप्ट किया गया था। अब बात करते हैं इसकी अमेंडेबिलिटी की, आपको पता होगा जब बेरोबरी केस हुआ था 1960 में ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि जो इसमें ऐसा बोला था या मतलब मैं निकालूं कंक्लूजन क्या निकला था, जो प्रीएम्बल है ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं है। फिर आपको पता होगा केशवानंद भारती 1973 में हुआ था जिसमें क्या हुआ था जो प्रीएम्बल है ये ऐसा बोला था कि हमारे संविधान का पार्ट है और इसको ऑल्टर किया जा सकता है, बजाय बस बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसको हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर LIC जो इंडिया हुआ था 1995 में, इसमें बोला था कि जो संविधान है ये एक इंटीग्रल पार्ट है, हमारा जो प्रीएम्बल है ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे संविधान का ठीक है। फिर अब बात करते हैं जल्दी से हमारे यूनियन टेरिटरी के बारे में ठीक है, अभी रिसेंटली जो असम में है ऑटोनोमस टेरिटरी की बात मतलब उठी थी, कई लोग जो है कई ग्रुप है, मैं ग्रुप बता देता हूँ, एक कर्बी जो है कर्बी रीजन जो है वहाँ पे एक डिमांड उठी थी कि असम में ही हमको एक सेपरेट स्टेट बना देना चाहिए ठीक है, और जिसके कारण ये न्यूज़ में आया ठीक है। अभी रिसेंटली जो आर्टिकल 244A है इसको अमेंड करने की है, इसके इसको यूज़ करके एक जैसे असम में ही एक नया स्टेट क्रिएशन करने की बात उठी थी जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। आपको यहाँ पे याद क्या रखना है
यहाँ पे दो जो काउंसिल थी या दो ऑटोनोमस काउंसिल जो थी बहुत ज्यादा न्यूज में थी। सबसे पहले एक कर्बी एंगलोंग और एक नॉर्थ चाचर जो हेज है, ये दोनों जो है ऑटोनोमस काउंसिल है हमारी असम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना। और यहाँ पे आर्टिकल जो है ये याद रखना, आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244 जो है ये डील करता है हमारी ऑटोनोमस टेरिटरी, मतलब मान लो अगर एग्जाम्पल मतलब स्टेट के अंदर ही कोई स्टेट बनाना है, आपको पता होगा जो हमारी बाउंड्री ऑल्टर करना, ठीक है, या एक स्टेट के अंदर ही दूसरी बाउंड्री ऑल्टर करके बना देना, ये डील करता है हमारा आर्टिकल 244 और 244A। ठीक है, अब बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब। आपको पता होगा जो असम है यहाँ पे भी शेड्यूल ट्राइब वगैरह रहती है, तो ये याद रखना जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमारा फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल है, ये डील करता है हमारे शेड्यूल ट्राइब से, ये शेड्यूल जो एरिया है उनके एडमिनिस्ट्रेशन से। अब बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल किसे डील करता है। फिफ्थ शेड्यूल में ये याद रखना जितनी भी ट्राइबल एरिया है एक्सेप्ट लिखा है, ठीक है, इनको छोड़कर असम, त्रिपुरा, मेघालय या मिजोरम, इनको आप ऐसे याद रख सकते हो ATM, ठीक है, यहाँ पे डबल M कर दो तो ऐसे याद रखना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किसका किया जाता है, यहाँ पे 10 स्टेट जो है इंक्लूडेड है, नाम आपको याद नहीं रखने, बस ये याद रखना जो 10 स्टेट है ये डील करते हैं हमारे फिफ्थ शेड्यूल से। और सिक्स शेड्यूल कौन कौन से डील करते हैं, जो ऊपर मैंने एक्सेप्ट कराए थे ना, ये सारे के सारे जो चारों के चारों स्टेट हैं इनसे ये एडमिनिस्ट्रेशन डील करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। मतलब क्या है कि चारों स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है सिक्स शेड्यूल है ना कि फिफ्थ शेड्यूल, ठीक है। अब बात करते हैं रोशनी एक्ट की, ठीक है, यहाँ पे आपको याद क्या क्या रखना है, देखिए जम्मू कश्मीर है तो आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आपको ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए रोशनी एक्ट किससे रिलेटेड है और यहाँ पे यूनियन जो जम्मू कश्मीर है यहाँ पे यूटर्न कैसे आया, ठीक है। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो रोशनी एक्ट है ना ये डील करता है हमारा टू रेगुलराइज अनऑथराइज लैंड, ठीक है। सबसे मतलब क्या है कि यहाँ पे अनऑथराइज जो लैंड है उससे डील करता है हमारा रोशनी एक्ट। अब बोलेंगे कि जो अनऑथराइज लैंड से रिलेटेड है तो रोशनी नाम क्यों रखा, जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है उनका पर्पस ये था कि जो अनऑथराइज लैंड है उसको एनक्रोच करके वहाँ पे हम जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इनको लगाएंगे, जिसके कारण जो हमारी जम्मू कश्मीर में जो इलेक्ट्रिसिटी की कमी है उसको हमारी ये कमी जो है पूरी करेगी, ठीक है। मतलब इसी पर्पस से जो हमारा रोशनी एक्ट जो है नाम ड्राइव किया था, बस आपको कुछ नहीं पढ़ना यहाँ पे, ये याद रखना बस कि जो रोशनी एक्ट है ये अनऑथराइज लैंड से रिलेटेड है, इनको रेगुलराइज किया जा सके। और ये पर्पस यही है कि यहाँ पे जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये इस्टेब्लिश किया जा सके ताकि जो हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है इसको कर्व किया जा सके, मतलब क्या है कि इनको पूरा किया जा सके, ठीक है। बाकी चीज़ें आप पढ़ सकते हो पॉज करके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे जितने मर्जी स्टार मार्क कर लो। दरबार मूव आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ देगा कि दरबार मूव है वो क्या है, ठीक है, तो ये याद रखना कि जम्मू कश्मीर में है आपको पता होगा समर कैपिटल जो है शिफ्ट होती रहती है, समर और विंटर कैपिटल उससे मूव है। ये ऐसा पहली बार हुआ कि जो जम्मू कश्मीर में है जो सेंसिटिव रिकॉर्ड है सिर्फ वही ट्रांसफर किए गए समर में श्रीनगर को, ठीक है, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो थी जम्मू में रही, ठीक है। यह ऐसा पहली बार हुआ था इन 149 सालों में, पहली बार ऐसा हुआ था कि मतलब सिर्फ जो सेंसिटिव रिकॉर्ड थे सिर्फ उन्हीं का ट्रांसफर हुआ, ठीक है। इसको कहते हैं हम दरबार मूव, मतलब क्या है कि जो समर में जो कैपिटल है श्रीनगर कर लेते हैं, इसी को कहते हैं दरबार मूव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो सेरेमनी है ये स्टार्ट किसने करी, तो जो डोगरा रूलर थे रणवीर सिंह, इन्होंने ये जो प्रैक्टिस है ये स्टार्ट करी थी कि मतलब क्या है कि समर में जो है हमारा कैपिटल होगा जो श्रीनगर, ठीक है, और विंटर में हम चले जाएंगे जम्मू में, ठीक है। ये जो प्रैक्टिस थी ये रणबीर सिंह ने स्टार्ट करी थी और इसी को हम दरबार मूव कहते हैं, बस यही चीज़ आपको याद रखनी है। फिर बात करते हैं जो नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली जो अमेंडमेंट बिल प्रपोज किया था 2021 में, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, ठीक है, तो इसके क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ ये जो रीज़न है ये ज़्यादा मतलब जो न्यूज़ में कारण क्या था मैं जल्दी से बताता हूँ। अभी रिसेंटली जो है एक अमेंडमेंट प्रपोज किया गया था जिसमें जो गवर्नमेंट की डेफिनेशन है ये लेजिस्लेटिव असेंबली से या जो गवर्नमेंट होती है उससे करके जो हमारा लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको करेगी, मतलब क्या है कि अब गवर्नमेंट का मतलब है लेफ्टिनेंट गवर्नर, आसान भाषा में समझाओ तो, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें अमेंडमेंट कौन कौन से, जो हमारा सेक्शन है 21, 24, 32 और 44 जो 1991 का एक्ट था इसको अमेंड कर गया, जिसमें जो गवर्नमेंट होगी दिल्ली में इसका मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब चीज़ है याद रखना, इसमें गवर्नमेंट का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जो गवर्नर होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होंगे, एग्जाम्पल मान लो जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अगर अग्री नहीं भी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कुछ ऐसी पावर होंगी जो अपनी पावर यूज़ करके जो है एक्ट वगैरह बना सकता है,
ठीक है। और यहाँ पे ये मैंडेटरी कर दिया, मान लो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है, गवर्नमेंट है, कुछ भी अगर काम कर रही है, तो इसकी जो परमिशन है लेफ्टिनेंट गवर्नर का ओपिनियन जो है लेना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी कर दिया। मतलब अगर इसकी परमिशन नहीं लोगे या ओपिनियन नहीं लोगे तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमारी जो गवर्नमेंट अब देखेगी नहीं, सारी के सारी जो मैटर है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है देखेंगे, ठीक है। मतलब डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन भी अब वहाँ से चला गया। अब बात करते हैं 69 अमेंडमेंट जो हुआ था 1992 में, ठीक है। इसमें क्या था, दो प्रोविजन ऐड किए गए थे। सबसे पहला आर्टिकल 239 क्लॉज ए और आर्टिकल 239 क्लॉज ए बी। ये क्या बात करता है कि जो दिल्ली है इसको एक स्पेशल स्टेटस मिल गया। आपको पता होगा दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोला जाता है, एनसी, ठीक है, इसका दर्जा मिल गया। और यहाँ पे जो हमारी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये भी यहाँ पे है, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यहाँ पे क्रिएट की गई दिल्ली में, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो संख्या होगी ये 10% से ज्यादा नहीं हो सकती, जितनी भी स्ट्रेंथ जो होगी। एग्जाम्पल बताता हूँ, इसको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए जो दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली उसकी संख्या है 70, तो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो संख्या है 10% कितना होगा, 7, ठीक है। तो 7 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती। फिर बात करते हैं आर्टिकल 239 ए बी का। ये बात करता है कि मतलब वही चीज आपको ऊपर समझाया, मान लीजिए कोई भी प्रोविजन है, ठीक है, मान लीजिए जो डेरोगेट करता है आर्टिकल 265, मतलब 256 किससे डील, 356 किससे डील करता है, इमरजेंसी से रिलेटेड। तो प्रेसिडेंट जो है सस्पेंड कर सकता है कोई भी प्रोविजन जो उनको लगता है कि उनके हिसाब से जो है इसे डील करता है, स्टेट इमरजेंसी से डील करता है। मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी प्रोविजन जो प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया तो वो उसको सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है, बस यही चीज याद रखना, ठीक है। फिर बात करते हैं हमारा सिटीजनशिप, बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से खत्म कर लेते हैं, फिर इसी के साथ जो हमारा लेक्चर है वो खत्म होगा, ठीक है। अभी रिसेंटली जो होम मिनिस्ट्री है इन्होंने लोकसभा में एक रिपोर्ट पेश करी, जिसमें इन्होंने बताया कि 600,000 से ज्यादा लोगों ने सिर्फ 5 सालों में ही अपनी सिटीजनशिप, जो इंडियन की सिटीजनशिप है, उनको रिनाउंस कर दिया, मतलब छोड़ दिया इंडियन की सिटीजनशिप। मतलब क्या है कि ये एक रूल बुक थी जिसमें मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने बनाई बताई थी कि भैया क्या क्या जो रीज़न है वो है जिन जिसके कारण जो है बंदों ने सिटीजनशिप अपनी छोड़ दी, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ से, ठीक है। सबसे पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो 5 से लेकर 11 तक है ये डील करता है हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड। जो सिटीजनशिप है ये पार्ट 2 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें मेंशन है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा क्या है, हाउएवर इट कंटेन्स नाइदर एनी परमानेंट नॉर एनी इलेबोरेटेड प्रोविजन विद रिगार्ड इट ओनली आइडेंटिफाई द पर्सन हु बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया एज कमेंसमेंट। मतलब क्या है कि ये डील करता है वो प्रोविजन से कि मतलब अगर मान ले कोई बंदा जो है सिटीजनशिप बनना है या किसको छोड़ना है, ये सारी के सारी जो प्रोविजन है ये इन्हीं आर्टिकल में हमको देखने मिलते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये याद रखना, सिटीजनशिप की जो पावर है ये हमारी जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसके बाद उसे डील करता है, ठीक है। और यही मतलब जो एक्ट है ये प्रोवाइड करता है हमारे एक्विजिशन और रेनाउंसिएशन ऑफ सिटीजनशिप। अब बात करते हैं कि प्रोविजन क्या है अराउंड सिटीजनशिप, ठीक है। हमारे यहाँ पे किसी बंदे को डुअल सिटीजनशिप नहीं मिल सकती। एग्जाम्पल मान लो कोई सिटीजन एक्स है, ठीक है, मान लीजिए, तो उसको एक ही सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। ये बोलते ना कि भाई अगर मान लीजिए आप सिटीजन एक हैं तो आपके पास, आपने देखा होगा कि किसी बंदे का जो आधार कार्ड होता है वो एक ही होता है। आप फर्जी बना ले उसका उससे मैटर नहीं है, मतलब आधार कार्ड एक ही बनता है, ठीक है, अगर फर्जी बना ले तो उससे कोई मतलब वो नहीं है। फिर दूसरा क्या है कि नो सेपरेट सिटीजनशिप। एग्जाम्पल मान लो अगर आप यूएसए की सिटीजनशिप है आपके पास तो आप इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप यूएसए की रिनाउंस कर देते हो तो ही आप इंडियन के जो सिटीजनशिप है ये ले सकते हो। मतलब क्या है कि एक बंदे को एक ही सिटीजनशिप मिलेगी, ठीक है। ये पॉज करके आप पढ़ लीजिए, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये वाले, ठीक है। क्या क्या कौन कौन से जो तरीके हैं हम सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। आपने लक्ष्मीकांत में सारे के प्रोविजन पढ़े होंगे। सबसे पहला बर्थ से कैसे ले सकते हैं, डिसेंट के बेस पे कैसे ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के बेस पे कैसे ले सकते हैं, नेचुरलाइजेशन के बेसिस पे कैसे ले सकते हैं, या टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन कैसे ले सकते हैं। टेरिटोरियल इनकॉर्पोरेशन मतलब क्या है कि मान लो एग्जाम्पल इंडिया है, ठीक है, इंडिया ने सिक्किम अभी हासिल किया था, ठीक है, सिक्किम को अभी जो सिक्किम के जितने भी बंदे होंगे अब इंडिया की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कल को इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ता है और पाकिस्तान को अपने में मिला लेता है तो इन जो पाकिस्तानी बंदे हैं इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्यों, क्योंकि अब जो पाकिस्तान है ये इंडिया का पार्ट बन गया है, ठीक है। अब बात करते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप। लॉस ऑफ सिटीजनशिप मैंने आपको ऊपर भी समझाया था, 3 मैटर होते हैं या 3 फैक्टर होते हैं। सबसे पहला रिनेंसिएशन, फिर दूसरा यहाँ पे मैं टर्मिनेशन, और तीसरा है डेप्रिवेशन। इनके मैं आसान भाषा में समझा दूंगा। रेनन्सिएशन मतलब क्या है कि मान लो कोई फुल एज कैपेसिटी का बंदा है, ठीक है, और वो अपना मतलब वॉलेंटरीली जो अपना सिटीजनशिप है ये छोड़ रहा है इंडिया का,
ठीक है, तो ये ऐसे केस में वो कर सकता है, मतलब क्या है इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ सकता है। फिर टर्मिनेशन मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई बंदा जो है चुप चुप के, मतलब जैसे कहते हैं ना कि वॉलेंटरली जाके, मान लो एग्जाम्पल एक्स नाम का बंदा जो है वो पाकिस्तान या यूएसए की जो सिटीजनशिप है वो अक्वायर कर लेता है, तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे इंडिया की सिटीजनशिप है उसकी वो छूट जाएगी या चली जाएगी। मतलब क्या है कि अगर कोई दूसरे देश की आप सिटीजनशिप वॉलेंटरली एक्वायर करते हो तो इंडिया की सिटीजनशिप आपकी टर्मिनेट कर दी जाएगी। फिर बात करते हैं डेप्रिवेशन की। डेप्रिवेशन में कुछ कुछ रीज़न है जहाँ पे आपकी जो सिटीजनशिप है चली जाएगी। सबसे पहला, अगर आपने कोई सिटीजनशिप फ्रॉड तरीके से अपनाई है, फिर या यहाँ पे सॉरी हाँ फ्रॉड तरीके से अपनाई है या एक्वायर करी है। फिर दूसरा कि आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आपने डिसलॉयलिटी दिखाई है। फिर तीसरा कि आप जब मतलब जैसे वॉर चल रही है हमारी इंडिया की, आप दूसरे एनिमी से कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर आपने नेचुरलाइजेशन बेसिस पे आपने सिटीजनशिप एक्वायर करी है और बनते के साथ ही आप 2 साल के लिए जेल चले गए। ठीक है, तो इस मैटर में भी इस स्टेज में भी आपकी जो सिटीजनशिप है आपसे छीन ली जाएगी। फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर, मतलब क्या है कि आप अपने सिटीजनशिप एक्वायर कर लिए, एग्जाम्पल मान लो फिर 7 साल के लिए मतलब कंटिन्यूसली आप बाहर ही रह रहे हो, मान लो आपने यूएसए इंडिया की सिटीजनशिप एक्वायर करी बट आप रह रहे हो यूएसए में या यूके में 7 साल के लिए, तो उस मैटर में भी आपकी जो सिटीजनशिप है वो ले ली जाएगी या आपसे छीन ली जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है वो खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट की। ठीक है, तो स्टे ट्यून, थैंक यू।